आज हम जब गए वहाँ पर लोग बड़ा मुतमिन थे, मुख्तलिफ लोग सनतकार हमें मिले, दे वर वेरी हैप्पी, और वहाँ पर जो लेबर थी वो भी बड़ी खुश थी। सर एक चीज जो अभी देखने में आ रही है सर, ये तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हो गया सर, इसके अलावा जो दीगर इंडस्ट्रीज हैं उस पर सर पीटीआई गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज होंगी, जैसा मैन्युफैक्चरिंग है, दूसरी जो सनतें हैं सर, वो लोग भी आपने समझने की चीज ये कि हमारी इस वक्त जो इंडस्ट्री थी ना, उसको जो बिजली मिल रही है वो हिंदुस्तान के मुकाबले में 25% ज्यादा महंगी, बांग्लादेश और हिंदुस्तान के मुकाबले में 25% महंगी। हमने बड़ी मुश्किलों से अब एक पैकेज लेके आए इंडस्ट्री के लिए खास तौर पे, और वो पैकेज ये है कि अब हम कोई पीक आवर्स नहीं है, और एक जितने उनके यूनिट्स है जब जितनी इजाफी होगी वो आधी कीमत पे होगी। उसका मकसद ही है कि किसी तरह बाकी इंडस्ट्री भी खड़ी हो, क्योंकि जब तक उनकी इनपुट सस्ती नहीं ना होती, इतनी महंगी बिजली पे ना वो मुकाबला नहीं कर सकते। आज हमारी बात हुई खान साहब बहुत से इंडस्ट्री के लोगों से, एक तो बिजली सस्ती होने पे बहुत खुश दिखाई दी है, और दूसरा ये कि तीन दिहाइयों के बाद ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है जब तामीरात सनत के बाद आप दूसरी सनत रिवाइव हो रही है, तो बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। आपकी मुआशी थिंक टैंक में मजीद पाइपलाइन में और क्या? देखो देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी इंडस्ट्री, आप धागे बेचने से तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ने लगा ना, ये या हम आम बेच रहे हैं या ये, इनसे तो कोई पैसा नहीं बनता, पैसा बनता है इंडस्ट्री से। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब तक 1960s के बाद कभी हुई नहीं पाकिस्तान में, यानी गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री को कभी प्रमोट नहीं किया। हम इंशाल्लाह अब हमारा पूरा जोर है, ये सारे इंसेंटिव दे रहे हैं मुश्किल हालात में कि इंडस्ट्री चलनी शुरू हो, उससे रोजगार भी मिलेगा, उससे दौलत भी बनेगी, वेल्थ क्रिएशन, उससे हम कर्जे भी वापस कर सकेंगे।